नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। जितने भी साथी रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, सभी साथी क्लास में आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो लाने के प्रति। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी क्लास में उपस्थित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.3 कैलोरी। क्या हो जाएगा? 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद करते चलना वीडियो में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म से। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? जिम्नोस्पर्म से। शानदार क्वेश्चन है, याद करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला आकरी गैस है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा रेडॉन। क्या हो जाएगा? रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला आकरी गैस है तो रेडॉन है। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकरी गैसों की खोज किसने किया था, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा रैमजे ने। क्या हो जाएगा? रैमजे ने। आकरी गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। शानदार क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। डायोड से धारा बहती है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा एक दिशा में। एक दिशा में डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का तार बना होता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा शीशा और टिन का। क्या हो जाएगा? शीशा और टिन का। फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? शीशा और टिन का बना होता है। शानदार क्वेश्चन है, याद करते चलना। ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा केवल एसी परिपथ में। क्या हो जाएगा? केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, केवल एसी परिपथ में। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज में। क्या हो जाएगा? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के इलाज में। शानदार क्वेश्चन है, याद करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट पाया जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है।
शानदार क्वेश्चन है, याद करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ओंकोलॉजी कहलाता है, ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा आँखों की, क्या हो जाएगा, आँखों की। ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है किसकी, आँखों की। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा गला, क्या हो जाएगा, गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता है गला होता है। शानदार क्वेश्चन है, याद करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट रोग होता है, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा फंगस से, क्या हो जाएगा, फंगस से। एथलीट फुट रोग होता है किससे होता है, फंगस से होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। जितने साथी क्लास में उपस्थित हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अंत तक देखा करेंगे, तभी सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।